मेरा आइडिया कैसा लगा? टिक्की में क्यों बंद कर दिया मुझे? वैसे प्लान ओरिजिनली मेरा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। किसने किया था? अब ऐसा पागलपन मेरे साथ तो सिर्फ रायमा कर सकती है ना। एक बार हम दोनों का झगड़ा हो गया था, 2 दिन तक चला और मैं बहुत नाराज था, तो गुस्से में आके उसने मुझे टिक्की में धक्का दे दिया। सोनाक्षी, मैं बस चाहता था कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा, अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाए, और एक शौक से निकलने के लिए उससे बड़ा शौक देना पड़ता है। ये शौक था? ये तरीका था शौक देने का? अरे कुछ और कर देते रोहित, थप्पड़ मार सकता था। मार के तो दिखाते, 3 पड़ जाते तुम्हें। गुड, भारतीय नारी सब पे भारी। कभी डरना मत सोनाक्षी, बिगड़ने नहीं दोगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा नहीं, गौर करो, हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, तो रायमा के साथ जो हुआ उसमें क्या अच्छा था? सोनाक्षी मिल गई। तुम और रायमा कभी मिलोगे ना, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। नहीं रोहित, मैं रायमा को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती। कल तुम्हारे यहाँ पापा आ रहे ना? हाँ, तुम आओगे? ऑफ कोर्स। मैंने विम्मी को भी बुलाया है, वो आएगी ना? उड़ के आएगी। सबसे बड़ी फैन है वो तुम्हारी। वो पार्वती की फैन है, और मैं तो अब पार्वती नहीं। एनीवेज, मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है एंड लास्ट मिनट की कुछ तैयारियां बाकी है, तो सामान लेना है एंड ऑल। तुम्हारे सीरियल में ये नई वाली जो पार्वती है, ये कब से शूटिंग स्टार्ट करेगी? मुझे नहीं पता, शायद 2-3 दिन, मैंने पूछा नहीं। तुम क्यों पूछ रहे? क्योंकि ऐसा होगा नहीं। कल तुम्हारे घर पापा आ रहे ना, उनसे पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे कि कहानी पार्वती की पार्वती सिर्फ तुम हो, और कोई हो ही नहीं सकता। ये कहानी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। आई प्रॉमिस। स्माइल। नहीं तो बूट में बंद कर दूंगा फिर से मैं।
मोबाइल के जमाने में ग्रीटिंग कार्ड, मॉम यू आर सो क्यूट, सिर्फ आप कर सकते हो ऐसा। इतना वक्त क्यों लग रहा है, करियो और राइस लेके जाओ ना, पापड़ भी ले जाना। हाँ तुम्हारा सैलेड हुआ क्या? हाँ लेके जाओ प्लीज, मैं स्प्राउट्स लेकर आती हूँ। कहाँ से मिला ये आपको? कहाँ से मिला मतलब? कार्ड शॉप से। और कहाँ से? रियली आप कहना चाह रही हैं कि मिसेस वीना सिप्पी कार में कार्ड खरीदने गई, पेट्रोल पे पैसा खर्च किया, फिर कार्ड पे? वही वीना सिप्पी जो बिम्मी से एक एक रुपए का हिसाब लेती है? आपके सिंधी होने पे शक हो रहा है मुझे वैसे। अब आजकल मैसेजेस से काम हो जाता है बाय द वे। क्या मॉम, आपको सॉरी बोलने की कभी जरूरत नहीं है, लेकिन सोनाक्षी को इस वक्त हमारी जरूरत है और मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। कल उसके घर पापा आ रहे हैं 1.5 दिन के लिए, स्थापना है और हम सबको इनवाइट किया है। मैं जानता हूं बुआ और पापा नहीं आएंगे और शायद तानिया और रोहन भी ना आए, लेकिन आप आएंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज देख रोहित, मैं दूसरों का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। आई लव यू, थैंक यू। ओहो हो, पैचअप हो गया। चुप रहे। पैचअप हो गया, पैचअप हो गया, पैचअप हो गया। पर कुछ भी बोल लो मॉम, क्या जोर की पड़ी थी ना। तुझे भी दूं फटाक? मेरे को नहीं, इनको पंच मोर। मुझे तो गाल पे पड़ी थी। हाँ। तुझे देख कहां कहां। अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं पीता। हां रोहित इस तरह सोनाक्षी को सपोर्ट कर रहा है देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बस अब सोनाक्षी के घर जाने के लिए सबको मनाना पड़ेगा। मनाते हैं। हे झूलेलाल। बिना देखो मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। इस वक्त हमें थोड़ी ना उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। मीडिया की सारी टेंशन उनके ऊपर है। हम बेकार में स्कैनर में आ जाएंगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, you know? नरेन, लेकिन रोहित को मेरी जरूरत है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ नरेन। ठीक है फिर तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। I am sorry वीना भाभी, मुझे नहीं आना, वो फैमिली बहुत ही एलएस है। इसी चलो ना यार। क्यों? क्यों मतलब तुम्हें पता नहीं? Listen, बात को बढ़ाओ मत, मुझे नहीं आना है, सिंपल। सॉरी सॉरी भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगा। रेस्टोरेंट में गणेश स्थापना है भाभी, पूजा है, बहुत सारा काम होगा। I'm sorry. Of course चलूंगा मॉम, रोहित के लिए कुछ भी। तान्या कल तुम रेडी रहना। कितने बजे जाना है मॉम? Sharp at 9.